टीएन सिंह जी, विनय केसरी जी, मनोज दीपू जी, पंकज गुड्डू जी देखेंगे। भोजन की भी व्यवस्था कई जगह पर हम लोगों ने किया है, एक क्योंकि रहने के लिए भी जो लोग रात में आ जाएंगे उसके लिए अभियंता हॉल, ठाकुर प्रसाद जी के हॉल में और कई माननीय विधायकों के जो सरकारी आवास है, प्राइवेट आवास है, सभी जगह इसी व्यवस्था की जा रही है। भोजन के लिए भी एक प्रबंधन टीम बनाई गई है, अजय सिंह जी, पप्पू सिंह, संजय पप्पू जी, राजेश मुखिया जी, जो गांधी मैदान के पास जो लोग होंगे उनको भोजन की व्यवस्था देंगे और पार्टी कार्यालय में भी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरे बिहार से आएंगे उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। नगर सज्जा का काम शैलेंद्र यादव जी प्लस विकास मेहता जी देख रहे हैं। आवास का काम शैलेंद्र महाजन जी, संजय कुशवाहा जी, अनिल मेहता जी देख रहे हैं। मीडिया के तमाम जो हमारे प्रभारी हैं, राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, राजू जी और प्रहलाद जी को विशेष तौर पर इसमें सहयोग के तौर पर रखा गया है। पेयजल में क्योंकि बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ेगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको, इस कार्यक्रम को 2017 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहा। बीच के कालखंड में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम नहीं कर पाए थे और आप देखते होंगे कि 2016 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान था जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस इतनी बड़ी व्यवस्था की गई कि आज जिस राजा ने अखंड भारत की कल्पना की थी, जिस राजा ने पूरे देश पर राज किया था और वो बिहार से आते थे, बिहार मगध के राजा थे और पूरे अखंड भारत की कल्पना की थी। इसके बाद जब मैं स्वयं भी नगर विकास मंत्री था तो सभी नगर निकायों में हमने सम्राट अशोक हॉल बनाने का निर्देश दिया जो आज के तारीख में तारकिशोर जी इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि आज लगभग 175 जगह से अधिक जगह पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति भी दी है कि टाउन हॉल के तौर पर, जिस जगह छोटे टाउन हॉल थे, जिस जगह पर टाउन हॉल नहीं था, सभी नगर निकायों में हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन बनाने का निर्णय लिया था। बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2017 में यह निर्णय लिया कि हम सम्राट अशोक जयंती जिस दिन मनाई जाएगी इसको राजकीय छुट्टी भी मनाने का कोशिश करेंगे, इसको भी आदेश दिया गया। इसलिए साथियों, ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो इसमें आएंगे और एक विशाल कार्यक्रम, पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है पूरे देश में जो सम्राट अशोक के जयंती का समारोह का कार्यक्रम कर रही है। दूसरे किसी पार्टी का अभी तक हमको संज्ञान में नहीं है, सभी कोई ना कोई संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि 2016-17 में हम लोगों ने लगातार इस कार्यक्रम को किया है और हम लोग इस पर काम करते रहे लगातार। सम्राट अशोक भवन बनाया, सम्राट अशोक के नाम पर टिकट जारी किया और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होगा ये कार्यक्रम। और आपने देखा होगा कि कोई दूसरा कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं
वो किसी पार्टी के कार्यक्रम नहीं है, वो व्यक्ति का कार्यक्रम। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।